बिहार में एक बार फिर खाकी शर्मसार हो गई। मामला किशनगंज जिला से जुड़ा है, जहां एक थानेदार 8 दिन तक महिला फरियादी के जिस्म को नोचता रहा और उस पुलिसिया वर्दी का धौंस दिखाता रहा। पुलिस वाला डेढ़ागाछ का थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला है, जिसके खिलाफ एसपी ने कार्रवाई की है। बता दें कि महिला यूपी से बिहार पहुंचती है, उसे अपने पति की तलाश है। पति को खोजते हुए वो बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज पहुंचती है। दलित महिला पुलिस से मदद मांगती है, उसे क्या पता था कि मदद के बदले उसकी अस्मत को लूट लिया जाएगा। घटना किशनगंज जिले के डेढ़ागाछ थाने में घटित हुई। घटना के बाद पूरा पुलिस महकमा शर्मसार है। थाना अध्यक्ष के पद पर बैठे एक शख्स ने ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। महिला को पुलिस वाला 8 दिन तक बंधक बनाकर उसका बलात्कार करता रहा और कुकर्म में थानेदार का मददगार बना इलाके का मुखिया मनोज यादव। रेप के बाद दोनों ने महिला से 2 लाख रुपए भी लिए और फिर उसे थाने से छोड़ दिया। आरोपी थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला घटना के बाद से फरार है। इसके अलावा आरोपी मुखिया मनोज यादव भी अब तक फरार है। महिला की शिकायत के बारे में बात करते हुए किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू ने बताया कि अपराध करने वाला कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। करीबन 1 सप्ताह पहले एक महिला हमारे कार्यालय में आई है, शादी टेढ़ा जो बाहर किसी दूसरे राज्य से की कमाई कर, कि हम थाने में कोई शिकायत लेके गए हैं, थाना प्रभारी ने मुझे शिकायत लेने के बजाय मुझे 7 दिन अपने कमरे में बंद रखा। साथ में उनके सहयोगी एक लोकल मुखिया है, मनोज यादव है, लोकल पंचायत के मुखिया है, उन दोनों ने मिलकर उसको थाने में बंद रखा है। इससे 2 लाख रुपये रंगदारी मांगकर 7 दिन बाद थाने से फिर छोड़ दिया है। उन्हें विभिन्न तरह के आरोप लगा दिए कि मुंशी के साथ शारीरिक संबंध बना दिया। तो इस संबंध में हमने एफआईआर रजिस्टर किया है मुख्य 3 धाराओं में। एक तो रेप का हमने केस इसमें रजिस्टर किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि उनको इलीगली बंद रख देना आवास पे उस धारा में कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमने एक्सटॉर्शन रंगदारी का भी केस थाना प्रभारी टेढ़ागाछ और मुखिया मनोज यादव के ऊपर किया है। इस संबंध में SIT बनाया गया है, विदिन 15 दिन से 1 महीने तक इसका चार्जशीट हो जाएगा। हाल फिलहाल थाना प्रभारी और मुखिया जी हैं वो दोनों फरार हैं, तो SIT द्वारा चार्जशीट उनकी रजिस्टर हो जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद से हर कोई हैरान है कि सुरक्षा देने वाला ही अगर ऐसा करने लगेगा तो फिर शिकायतकर्ता आखिर किसके पास जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल। नमस्कार।